नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। उत्तर प्रदेश का पशुपालन विभाग अब घोटाला विभाग बन गया है। लगातार विभाग के आला कमान विभाग में घोटालों की इबारत लिखते जा रहे हैं। घोटाले भी ऐसे जिसे हम और आप क्या पशु भी शर्मा जाए। घोटाले की लंबी चौड़ी लिस्ट है, देखिए इस रिपोर्ट में। पशुपालन विभाग ने 4 महीने में खर्च कर डाले 65 में से 50 करोड़ रुपए। दवाओं के नाम पर खर्च हुए 50 करोड़, जांच हुई तो सब निकला मानकों के विपरीत। दवा, इलाज, सुई, फ्रिज, कंप्यूटर सब चढ़े भ्रष्टाचार की भेंट। क्या आपने कभी 50,000 का फ्रीजर 1.25 लाख में खरीदा है? क्या आप कोरोना से बचने के लिए मास्क का दाम 96 रुपए अदा करते हैं? क्या नहीं करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो जनाब जाइए पशुपालन विभाग के अधिकारियों से प्रशिक्षण लीजिए कि कैसे उन्होंने वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई के अजय देवगन की तरह 5 रुपए वाला पेरू 500 रुपए में खरीदना सीख लिया है। ये तो बड़ा है, ये महंगा होगा। अरे सब कोई उठा लो, सब चढ़ने का। सोच, ये दुनिया का आखिरी अमृत है, इसके बाद कोई और अमृत नहीं होगा। अब देख लेगा। 4 रुपए। सोच, मुमताज ने अपने हाथों से इसे पानी देकर रुकाया। सलीम के हाथ में फूल नहीं अमरूद रहता था, अब ये कितने का है? 40 रुपए। अबे यार सोच, आदम ने सबसे पहले सेब नहीं ये अमरूद खाया था, अब ये कितने का है? 400 रुपए। कुछ ऐसा ही टैलेंट हमारे पशुपालन विभाग के कर्मठ और जुझारू अधिकारियों ने किया है। ये वो अधिकारी हैं जिन्होंने घोटाले के नाम पर एक नई इबारत लिख दी है और मुख्यमंत्री के जीरो टॉलरेंस वाली नीति को पीस कर चटनी बनाकर खाने की कसम खा ली है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन जगलर अधिकारियों ने ऐसा क्या किया जिसके लिए इनकी इतनी तारीफ बन रही है। तो लीजिए, सुनिए, समझिए और मान सकते हैं तो मानिए, लेकिन सुनते समय अपने कानों का ख्याल जरूर रखिएगा। ऐसा ना हो इन अधिकारियों के कारनामे सुनकर आपकी आंखों से आंसू और कान से खून आ जाए। इनकी इबारत ही कुछ ऐसी है जिनको सुनने के बाद इंसान के कान खड़े हो जाएं। बेजुबान जानवरों की तो बात मत ही कीजिए। चलिए अब हम आपको बताते हैं पशुपालन विभाग के इन हुक्मरानों की कलम और कैलकुलेटर की स्पीड के बारे में कि कैसे इन्होंने जीरो टॉलरेंस वाली नीति को बड़े से जीरो में ढकेल दिया और उसके पार्थिव शरीर को 1.25 लाख के कोल्ड स्टोरेज में बंद कर दिया। क्या आपने 1.25 लाख का कोल्ड स्टोरेज नहीं देखा है? अमा जाइए, कर दी ना छोटी बात। अभी आपको बताया अजय देवगन वाली मूवी के बारे में, फिर भी आप नहीं मानते हैं। उसी तरह हमारे अधिकारियों ने 1.25 लाख का फ्रीजर खरीद लिया, वो फ्रीजर जो मध्य प्रदेश में 48,000 और जम्मू कश्मीर में 59,000 में खरीदा गया था। यही नहीं, कोरोना से बचने के लिए बाजारों में बिकने वाले N95 मास्क के दाम के साथ ही हीनता की गई। बेचारा N95 मास्क जो बाजार में 15 से 20 रुपए में मिलता है, उसको इन कर्मयोद्धाओं ने 97 रुपए में खरीद कर देश की बिगड़ी अर्थव्यवस्था को सरकारी अमली जामा पहनाने का खूब बखूबी काम किया है। ये रिकॉर्ड दर्ज करवाने का सिलसिला यही नहीं थमा। सरकारी कागजों में बताया गया है कि इन शूरवीरों ने एक ही आइस लाइन रेफ्रिजरेटर को 2 बार खरीदा, वो भी एक ही महीने के अंतराल पर। और एक ही महीने में महंगाई इतनी ऊंचाई पर पहुंच गई कि एक ही महीने में इनके पहले और बाद के दाम में 75,000 रुपए का बड़ा फासला दिखाई दिया। जीरो टॉलरेंस वाले इस प्रदेश में आखिर पशुपालन विभाग के अधिकारियों की मनमानी क्यों चलती रही और किसी की नजर इन पर क्यों नहीं पड़ी? सरकार ये दिखाना चाहती है कि उसने हमेशा ये जताना चाहती है कि उसने ट्रांसपेरेंसी बना के रखी। आपने कहा अपने मंत्रियों से कि आप लोग काम करिए, चार्ज ले लीजिए, लेकिन मेरा आरोप सरकार पर कि आपकी सरकार आज भी ब्यूरोक्रेट्स ही चलाते हैं, वही लोग निर्णय लेते हैं,
मंत्री के हाथ में कुछ नहीं है। यही मामला स्वास्थ्य विभाग के ट्रांसफर में भी दिखाई दिया, स्वास्थ्य विभाग के दवाई एक्सपायरी में भी दिखाई दिया जो विशेष पाठक साहब ने पकड़ी थी, और अब इस डिपार्टमेंट में भी वही हो रहा है कि अब इस पे अगर चाहें कि सरकार वो अधिकार ही जिम्मेदार है, नहीं, सरकार पूरी जिम्मेदार है, क्योंकि उस विभाग के मंत्री को क्या इतनी बड़ी जो अनियमितता हो रही है उसकी जानकारी नहीं है। और सिर्फ इसी विभाग की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, और जितने विभाग हैं, नगर विकास विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, पशुपालन विभाग है, सब जगह जहाँ जहाँ खरीदारी होती है, जहाँ जहाँ सामान खरीदा जाता है, उन सभी सामानों की खरीद में कमीशन चल रहा है, उसमें अनियमितता हो रही है। पशुपालन विभाग में इस महाघोटाले की भनक जब उच्च अधिकारियों को लगी तब जाकर मठाधीशों की नींद खुली। फिलहाल अब इस पूरे मामले में पशुपालन विभाग के निदेशक का कहना है कि मैं इस गड़बड़ी को मानता हूं, जो भी दोषी साबित होगा उसकी वसूली की जाएगी। देखिए, दवाइयों का क्रय निदेशक रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र करते हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है, दवाइयाँ क्रय करने की पूरी कमेटी बनी है, उस कमेटी के द्वारा रेट अप्रूव किया जाता है, जिम पोर्टल से खरीदी गई दवाइयों का जिम से आर्डर दिया जाता है, वहाँ से बिल वाउचर लेने के बाद नियमानुसार उसका पेमेंट कराया जाता है। हमारे पास एक जॉइंट डायरेक्टर मानकीकरण स्टैंडर्डाइजेशन भी हैं, वो दवाइयों का बाकायदे जाँच कराते हैं, अधोमानक दवाइयाँ होने पर उस कंपनी को ब्लैक लिस्ट करते हैं तथा उसका पेमेंट रोक देते हैं। तो इस तरह के आरोप ये तो बिल्कुल निराधार हैं, इसमें कोई सत्यता की बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इस तरह के अखबार में या मीडिया में आ रहा तो इसकी पूरी जांच कराई जाए। अभी कुछ दिनों पहले ही पशुपालन विभाग में सरकार की ट्रांसफर पॉलिसी का भी मखौल जमकर उड़ाया गया था। 20% लोगों की ट्रांसफर किए जाने वाले आदेश पर सरकारी हुक्मरानों ने इस तरह से अमली जामा पहनाते हुए उसका मखौल बनाया था कि खुद सरकार की ये पॉलिसी शर्मा गई। स्थानांतरण नीति सरकार जो है अपने उद्देश्यों को लागू करने के लिए और कर्मचारियों अधिकारियों के सहूलियत को देखते हुए कार्य लेने के लिए लागू की जाती हैं, जिससे सरकार का भी कार्य होता रहे और कर्म अधिकारियों की जो पारिवारिक और अन्य सहूलियतें हैं उसका भी ख्याल सरकार ही को ही रखना, उसको रखा जा सके। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा देखने में आया कि इन मामलों में भारी विसंगतियाँ पाई गई और जिसके कारण से पशु चिकित्सा अधिकारियों में बेहद आक्रोश और निराशा है। जितने स्थानांतरण पॉलिसी जारी की गई थी, सबसे पहली गलती तो ये हुई कि विभाग ने पहले एक साल पहले तक विभाग की अलग स्थानांतरण नीति होती थी, 5 साल और 8 साल की, जिले में 5 साल और मंडल में 8 साल की। इस वर्ष वो नीति बनाई ही नहीं गई, हाँ जानबूझकर उसको वो नीति बनवाई ही नहीं गई। जहां एक तरफ योगी सरकार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अधिकारी बेखौफ भ्रष्टाचार करते नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इन पे कब शासन का और प्रशासन का डंडा चलता है, सरकार क्या कार्रवाई करती है, जीरो टॉलरेंस का क्या होता है। फिलहाल उन बेजुबान जानवरों की सोचिए जिनके नाम पर पशुपालन विभाग ने इतना बड़ा घोटाला कर डाला। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो आपने देखा कि किस प्रकार से पशुपालन विभाग के अधिकारी सरकार की मंशा के ऊपर पानी फेरते हुए भ्रष्टाचार का काला खेल खेलते हुए नजर आ रहे हैं। कानून का इन भ्रष्टाचारियों को कोई खौफ नजर नहीं आ रहा है। अब देखना यह होगा कि इन भ्रष्टाचारियों पर क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही, आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।